15 दिनों के अंदर सांप ने 3 बार डस लिया। तीनों बार सांप के काटने के बाद वह मरते मरते बचा। घटना औरंगाबाद जिले की है, जहां एक बच्चे को पिछले 2 सप्ताह में 3 बार सांप ने डस लिया। तीनों बार इलाज के बाद बच्चा ठीक हो गया, लेकिन अब चौथी बार सांप बच्चे को शिकार ना बना ले, इसलिए उसके घर वालों ने उसे जहानाबाद भेज दिया है। बच्चे के परिजनों का कहना है कि अगर वह यहाँ रहा तो चौथी बार भी सांप काट सकता है। इधर बार बार सांप के काटने के बाद बच्चा भी दहशत में है। वहीं उसके परिजन सांप के बार बार बच्चे को काटने के बाद कह रहे हैं किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, जिसकी वजह से सांप बच्चे की जान के पीछे पड़ा है। इधर गांव के लोगों ने बच्चे के परिजनों को सांप मारने से मना किया है और कहा है कि बार बार सांप काट रहा है तो ज़रूर कुछ कारण होगा। सांप के बार बार एक ही बच्चे को शिकार बनाए जाने का ये मामला जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है। यहाँ के रंजीत भगत का 12 साल का बेटा नीरज बार बार सांप के डसे जाने से परेशान है और दहशत में है। उसे सबसे पहले 2 जुलाई को घर के बाहर एक सांप ने डस लिया। इसके बाद नीरज चीखने चिल्लाने लगा। डसने के बाद सांप भाग गया, लेकिन इससे पहले लोगों ने सांप को देखा। इधर बच्चे की हालत जब बिगड़ने लगी तो उसे आनन फानन में सदर अस्पताल औरंगाबाद ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने इलाज के बाद उसे मगध मेडिकल कॉलेज भेज दिया। गया में इलाज करा कर लौटने के बाद 2 दिन बाद ही उसे फिर से किसी जीव ने काट लिया। लोगों ने इसके बाद बच्चे के परिजनों को सलाह दी कि वह उसे कहीं बाहर भेज दे। वह सांप के काटने से दहशत में है और यहाँ से दूर रहेगा तो सामान्य हो जाएगा। इसके बाद बच्चे को उसकी बुआ के घर भेज दिया गया, जहाँ सोमवार को खबर आई कि बच्चे के शरीर में एंठन है। इसके बारे में लोग कह रहे हैं कि वह डरा हुआ है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ साइट के साथ। धन्यवाद।